हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बच्चों, आज हम केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपका टेस्ट हुआ था, ठीक है। उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसका जो कोड रहेगा, UK 80 14 24 रहेगा इस टेस्ट का कोड, ठीक है। तो बेसिकली वही चीज देखेंगे कि आपने कैसे अप्रोच किया था क्वेश्चन को, एंड मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ, ठीक है। जो भी आपने मिस्टेक्स की हैं उसको आप अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है, और उसको अपनी नोटबुक में, माई मिस्टेक की नोटबुक बनाओ, वहां पे लिख लो कि मैंने ये मिस्टेक किया था। हो सकता है सिली मिस्टेक कर दी हो सकता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर दी हो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या मिस्टेक की है। मैं हमेशा कहती हूँ कि पेपर देने से ज्यादा उसकी एनालिसिस इम्पोर्टेंट होती है। टेस्ट तो देना ही आपको, लेकिन एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस नहीं करोगे तो फिर वो कोई फायदा नहीं है बेटा टेस्ट देने का, ठीक है। तो अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूँ ना, तो ये चैप्टर में अगर मैं 2024 की बात करूँ, 3 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, क्योंकि लास्ट ईयर हम अभी 2024 की मैं बात करूँ तो पैटर्न चेंज हुआ है ना, चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं काफी ज्यादा। तो केमिकल काइनेटिक्स वैसे भी एक अच्छी खासी वेटेज रखी है, 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे थे, इस साल उन्होंने 3 क्वेश्चन डाले हैं उसमें से। तो 2025 में भी आप कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 2 to 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये बेटा, ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब कि जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सोल्यूशन है, ये हमारे काफी बड़े चैप्टर है, बट केमिकल काइनेटिक्स ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल है इसके अंदर, और इसमें से न्यूमेरिकल वाले भी क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ वाले भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है, कई बार तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में से भी वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको वही क्लास नोट्स प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन, असाइनमेंट क्वेश्चन और नीट के, ठीक है। अभी आपको यही करने, अगर जिसने भी अभी इनमें से नहीं किया है तो प्लीज पहले आप वो जाके करो, बाद में दूसरे क्वेश्चंस करना। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, कई बार बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो रेलेवेंट भी नहीं होते शायद इतने हमारे लिए। तो पहले जो चीज रेलेवेंट है उसको पढ़ो, देन आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो और कर सकते। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था 41, इसमें ओके, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए ऑप्शन नहीं दिया हुआ इसमें, कोई बात नहीं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है? एटी माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। ए टी क्या है आपका? ए टी है आपका लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेशन, लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेशन। और ए नोट क्या है? इनिशियल कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये किसकी है? लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो बच गया, रिएक्शन हो गई, जो बच गया आपका रिएक्टेंट वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। के तुम्हारा रेट कॉन्स्टेंट है, जिसको हम स्मॉल के की रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल के को रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं हम, और टी तुम्हारा है टाइम, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई है तो बचा तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। अगर 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो कुछ बचा ही नहीं होगा, तो 80 वुड बी जीरो। और अगर 80 जीरो हो गया तो माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी 100% पे। तो यहाँ पे टी 100% क्या आ जाएगा? ए नोट बाय के आ जाएगा। तो अब यहाँ से देख लीजिए कौन सा आंसर मैच हो रहा है। वैसे ए नहीं दिया हुआ इन्होंने यहाँ पे, नहीं है कोई बात नहीं, हमने निकाल लिया आंसर, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इससे मत कंफ्यूज होना, मैम यहाँ ए नोट है, आप यहाँ पे तो ए है, इट्स ओके। कई बुक्स में ए नोट ए है ना लिख देते हैं, इट्स ओके। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो इसका फाइनल आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, रेट एंड रेट कांस्टेंट आपको गिवन है, आपको रेट गिवन है,
और आपको रेट कांस्टेंट गिवन है। तो आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालनी है N2O5 की एट दैट टाइम विल बी कितना होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, दिया क्या हुआ है ध्यान से देखिए, रेट रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, कंसंट्रेशन निकालनी है एट N2O5 की। ओके, सो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने सिर्फ इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख के ये लगा दिया है ना N2O5 इसका स्क्वेयर और आप सोच रहे हो ये मैम सेकेंड ऑर्डर है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कभी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के आप नहीं पता लगा सकते हो कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस में पता लगा सकते हो कि रिएक्शन का ऑर्डर ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है पर सेकेंड, और हमें पता है रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट अगर पर सेकेंड है यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यानी कि जो आपका रेट होगा वो क्या होगा, के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 रेज टू द पावर 1 नॉट 2। नाउ द क्वेश्चन अब सिंपल हो गया है, रेट आपको दिया ही हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया ही हुआ है। ठीक है, अब N2O5 की क्या कर लोगे, कंसंट्रेशन निकाल लोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है, ये आपके नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन द ईए ऑफ द फॉरवर्ड, आपको दिया हुआ है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है बेटा 50 किलो जूल एंड बैकवर्ड के लिए दी हुई है 30 किलो जूल। आपको डेल्टा ई निकालना है फॉर फॉरवर्ड। देखो बेटा, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, ईए फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, यही होता है। तो अब अपने पास फॉरवर्ड क्या दिया हुआ है 50 माइनस 30, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, बेशक आपका एंडोथर्मिक वाला ग्राफ है या फिर आपका एक्सोथर्मिक ग्राफ है, जो चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी आएगा वो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपको इक्वेशन दी हुई है, ये वो बोल रहे हैं कि वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम मान लो जो फाइनल वॉल्यूम है वो हाफ ऑफ हो गया है इनिशियल, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कंसंट्रेशन, जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो 2 times हो गई होगी कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के, क्योंकि अगर वॉल्यूम, क्योंकि आपको पता है ना कंसंट्रेशन N/V होता है, तो अगर वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू तो वो 2 times हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बोला है, रिएक्शन इज, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इफ द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तो रेट क्या हो जाएगा, O2 के रिस्पेक्ट में 1 है एंड NO के रिस्पेक्ट में 2 है। तो अगर आप कंसंट्रेशन आपके 2 times हो गए तो ये क्या हो जाएगा, नई वाला जो रेट होगा के 2, ठीक है 2NO स्क्वायर, तो यहाँ पे 8 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जो नया वाला रेट आया है वो क्या हो जाएगा, 8 times ऑफ इनिशियल वाले रेट के। तो यानी कि आपका क्या पूछा है, रेट ही तो पूछा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज टू 8 times इट्स इनिशियल वैल्यू, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखो न्यूमेरिकल वाला है चैप्टर, तो इट विल टेक टाइम सॉल्व करने में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, 1 liter ऑफ 2 molar एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड विद 1 liter ऑफ 3 molar इथाइल अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर। ओके, द डिक्रीज इन द इनिशियल रेट इफ ईच सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर वुड बी। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि एक, मैं लिख देती हूँ, देखो ये आपके पास एसिटिक एसिड है, ठीक है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, 1 liter ऑफ 2 molar एसिटिक एसिड, तो आप इसके मोल्स निकाल सकते हो क्या, 1 into 2 क्या हो जाएगा, 2 mole इसके हो जाएंगे और इसके 3 mole हो जाएंगे। ठीक है,
आपसे पूछा है इनिशियल रेट में कितना डिक्रीज होगा अगर आपने हर इन दोनों को, ईच सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया बाय इन इक्वल वॉल्यूम। तो पहले अपन ये निकाल लेते हैं पहले क्या होगा रेट डाइल्यूशन करने से पहले। ठीक है, तो एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, टू। वॉल्यूम कितना है, टोटल टोटल 2 लीटर है। एल्कोहल का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नया वाला क्या हुआ, आपने क्या किया है इक्वल वॉल्यूम से डाइल्यूट कर दिया है। तो अगर मैं मान लेती हूँ कि V/2 हो गया है, तो ये पहले क्या था, 2/2 था, नाउ अब 2/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लो आप कैसे करेंगे। देखो जो नया वाला रेट है वो क्या हो जाएगा, ओके इसमें ऐसे लिख लो इसको 1/2, 2/2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा अपना, क्या कहते हैं, 1/2, और ये 3/2। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। अब क्या करें हम, देखिए ये हो गया आपका के 1/4 के, और ये कौन सा आ गया अपना, पहले वाला आ गया। ठीक है, ये आ गया पूरे वाला। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देख लो कितने टाइम हो गया, ये कितने टाइम हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो बस आंसर आ गया। इस तरीके से करना था क्वेश्चन, ठीक है, इस तरीके से करना था, 4 टाइम्स हो जाएगा। आगे चलते हैं। द टाइम टेकन फॉर 90% कंप्लीशन बाय अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अबाउट, टाइम टेकन फॉर 90%, ऑप्शन तो नहीं है, टाइम टेकन फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले तो आप इक्वेशन लिखे, के इज इक्वल टू 2.303/t लोग ए बाय ए माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो के क्या हो जाएगा, 2.303/t। ठीक है, अब टाइम निकाल रहे हैं ना आप, तो टाइम लिख लो यहाँ पे। इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते 100% थी, 90% कंप्लीट हो गए, तो बचा कितना होगा, 10, तो लोग 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके जो ऑप्शन थे ना, एक्चुअली मैं लिख देती हूँ, मैंने लिखे हुए हैं मेरे पास, इसके जो ऑप्शन थे अपने पास वो थे 1.1 टाइम्स द टी हाफ, यहाँ पे था 2.2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, यहाँ पे था 3.3 टाइम्स ऑफ टी हाफ, और था 4.4। तो अब हमें देख लेना है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, अब क्योंकि टी हाफ की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया हुआ, हमें पता है टी हाफ क्या होता है, 0.693/k होता है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो टी क्या हो जाएगा, 2.303, के क्या हो जाएगा, 0.693/k बाय आपका हो जाएगा टी हाफ, क्योंकि के निकाला है ना यहाँ से। ठीक है, तो जब तो इसको तुम सोल्व करोगे ना, वो आएगा 3.3 टाइम्स ऑफ टी हाफ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ना ऑप्शन से मालूम पड़ेगा, अगर आप सिर्फ ये निकाल के आ जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में बोला हुआ है टी हाफ के टर्म्स में निकालना है, तो आप टी हाफ का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 47, आपको एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ है, ये वो रिएक्शन है, तो यानी कि एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो आपको ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, तो आपको ध्यान रखना होता है कि स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है, सेकेंड वाला, तो x इंटू वाई टू ये हो जाएगा। लेकिन अपना आंसर आप ये नहीं बोलोगे कि ओवरऑल ऑर्डर 2 हो जाएगा, पहले आप चेक करिए जो आपने रेट लो लिखा है, इसमें कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है। तो मुझे दिख रहा है जो x है वो इंटरमीडिएट है, मतलब फर्स्ट वाली रिएक्शन के लिए वो प्रोडक्ट है, एंड सेकेंड वाली रिएक्शन के लिए वो रिएक्टेंट है। तो इसके लिए के इक्विलिब्रियम यूज में आना पड़ेगा, फास्ट स्टेप यही है, इसको ऐसे कर लो। तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वेयर बाय एक्स टू, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इक्विलिब्रियम 1/2 एंड x2 की पावर 1/2।
अब जो एक्स आया ना आपको यहाँ पे पुट करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेट के इक्विलिब्रियम एक्स टू की पावर 1/2 इंटू वाई टू, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओवरऑल ओवरऑल ऑर्डर 1/2 + 1 यानी कि 3/2, दैट इज 1.5। ये भी नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। नहीं, आपका जो रेट कांस्टेंट है वो डिपेंड ही किस पे करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक है, यही आपका इनकरेक्ट था। फिर वो कह रहे हैं एंजाइम्स कैटलाइज मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कैटलिस्ट डज नॉट, हाँ रिएक्शन को इनिशिएट स्टार्ट नहीं करते हैं, कोएंजाइम्स जो होते हैं वो कैटलिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को बढ़ाते हैं। ये तीनों आपके एनसीईआरटी में से ही है, जो एंजाइम कैटालिसिस वाला पोर्शन है, टॉपिक है छोटा सा, वहीं से क्वेश्चन को फ्रेम किया है। तो बी सी डी आर करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट, और आपसे नॉट करेक्ट ही पूछा था। फिर आता है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट रेट कॉन्स्टेंट ही होता है जो कि दिया हुआ है 10^-2 -2 per second, how much time will it take for 20 gram of the reactant to reduce to 5 gram? मतलब आपको कितना, basically कितना time लगेगा 20, जब reactant 20 से reduce होके 5 हो जाएगा। तो बस अगर आपको ये पता है first order reaction है तो formula लगाना है, T is equal to 2.303 by T log, starting में 20 था, reduce होकर कितना हो गया, ए बाई ए माइनस एक्स होता है ना, तो ए इज व्हाट, कितना है स्टार्टिंग में, ए माइनस एक्स बच गया कितना, 5। तो ये कितना हो जाएगा, टाइम दिया हुआ है कि अपने को, हाँ टाइम भी दिया हुआ है, हाँ आपको रेट कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, यस। तो 2.303 × 100 log 4 है ना, और log 4 को कैसे लिखोगे, 2.303 × 100 log 2 का स्क्वायर लिख दो, तो ये आ जाएगा 2 log 2, और मैंने कहा था log 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए 0.3, मैंने कहा था log 3 की भी वैल्यू पता होनी चाहिए 0.5, और log 5 की भी पता होनी चाहिए 0.7। आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि देखो गैप बहुत ज्यादा ऑप्शन में है ना, तो अगर आप 0.3 लेके करोगे ना आंसर सही आ जाएगा। तो 2.303 × 100 × 2 × 0.3, तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 49 का ए, 138.6 सेकेंड, ठीक है। कोई आपको एग्जैक्ट भी नहीं, आपका 137 के आसपास आएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि ए ऑप्शन करेक्ट है। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, अभी बताया है इनिशियल कंसेंट्रेशन पे नहीं करता, एक्सटेंट कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन हो रही है नहीं करता, टाइम क्या है रिएक्शन का नहीं करता, टेम्परेचर क्या डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज करोगे तो तुम्हारा रेट कॉन्स्टेंट भी चेंज होगा। नेक्स्ट आते हैं एस्टर की हाइड्रोलिसिस की एसिडिक मीडियम में, व्हाट टाइप ऑफ दिस रिएक्शन। तो इसमें हम क्या लेते हैं, देखने में तो ये बायोमोलिकुलर है, लेकिन अगर हम एक की कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस में ले लेते हैं, ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में, तो बेसिकली उसकी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो जाती है, रेट पे वो डिपेंड नहीं करता है, तो रेट पे फाइनली फिर रेट जो है एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। For a given reaction, T half is equal to 1/AK, the order of reaction. देखो, अब इसमें कैसे करोगे? वैसे तो डायरेक्ट आपको पता होने चाहिए, जीरो फर्स्ट सेकेंड दे दो, मतलब ये तो रटे होने चाहिए कि इनका हाफ लाइफ ये होता है। नहीं भी अगर मान लो भूल जाओ, तो ये एक फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था मैंने, ये वाला, ठीक है, कि हाफ लाइफ जो होती है आपकी किसी भी रिएक्शन के लिए 1/AA इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर n माइनस 1 एंड n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखो फर्स्ट में तो आपको पता है कि क्या बोलते हैं, टी हाफ डिपेंड ही नहीं करते इनिशियल कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो अब देखो a नीचे आना चाहिए, अगर तुम n की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे जीरो रहा होगा,
ठीक है, एन की वैल्यू तुम टू पुट करना है एक बार, तो टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, यानी कि इसमें सेकेंड ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ ना इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा कॉन्सेंट्रेशन के। अगर तुम एन की पावर थ्री लेते तो ये होता, ए की पावर स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता, ठीक है, जबकि आपको डिनोमिनेटर में सिर्फ ए दिया है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। इस तरीके से वैसे तो आपको याद होना चाहिए, बट अगर नहीं याद तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय प्रेशर से डिसाइड करते हो, मॉलिक्युलरिटी से, या टेम्परेचर से, या रिएक्शन के मैकेनिज्म से। तो मैम मैकेनिज्म रिएक्शन का क्या है, एज वेल एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, है ना। जबकि पास जब तक आपके पास रिएक्शन का मैकेनिज्म ही नहीं होगा, कैसे पता लगाओगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू रेट लो, रेट लो आया हुआ है, क्या कहता है रेट लो, कि मैं तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मान लो आपके पास ये है, ठीक है, तो रेट लो क्या हो जाएगा, ए की पावर, ए और बी की पावर बी, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर ए, बी की पावर बी। वैसे यहाँ पे ए की जगह ना कोई और लिखो, बताती हूँ क्यों, एक्स वाई लिख लो, ठीक है, क्योंकि ना जरूरी नहीं है जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही पावर होगा, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख के नहीं बता सकते। तो यहाँ पे एक्स ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वाई भी बी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो हाँ, लेकिन रेट लो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद है रेट कॉन्स्टेंट, आपको दिया हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, यूनिट चेक करो, रेट कॉन्स्टेंट की पर सेकेंड है, और पर सेकेंड में क्या होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, यूनिट वन। कैसे, जनरल इक्वेशन याद करने के लिए बोला था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, है ना, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगा सकते हो, तो रेट कॉन्स्टेंट क्या था अपना, मोल पर लीटर, वन माइनस एन पर सेकेंड, बस। एन की वैल्यू क्या, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है, तो आप देख लो पर सेकेंड कब आएगा, जब एन की वैल्यू वन होगी, तो इसलिए रेट कॉन्स्टेंट यूनिट पर सेकेंड में। नेक्स्ट है लॉगरिथम ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर के बीच में दिया हुआ है, तो अपने पास के क्या होता है, आरहेनियस इक्वेशन, के इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ए बाय आर टी। तो लोग के क्या हो जाएगा, लोग के इज इक्वल टू लोग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी हो जाएगा। अब आपको लोग के, ओके, तो बताओ भाई लॉगरिथम ऑफ रेट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के साथ कैसे काम करने वाला है। तो देखो, अगर मैं लोग के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाऊं तो क्या आएगा, एम सॉरी वाई, अपना ही एक्स एक्सिस पे है, दिस इज योर स्लोप, दिस इज योर सी, तो स्लोप अपना नेगेटिव है, तो इस तरीके से ग्राफ आना चाहिए, थोड़ा देख लेते हैं। तो वो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, देखो वो कह रहा है कि डिक्रीज लीनियरली, हाँ लीनियरली तो हो रहा है, विद इंक्रीज इन इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे 1/t बढ़ता जा रहा है, देखो 1/t बढ़ता जा रहा है, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, तो दिस इज करेक्ट वैसे, है ना। बी क्या बोल रहा है, इंक्रीज लीनियरली, नहीं ये तो गलत हो गया, फिर बोल रहा है इंक्रीज लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं 1/t इनवर्स ऑफ टेम्परेचर के बढ़ने से हो रहा है, ये भी ओके, ठीक है। तो बोल रहे हैं लोगरिथम ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज लीनियरली लोग के वर्सेस बाय टी, नहीं दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट मेरा बेटा, कि लीनियरली तो इंक्रीज नहीं होगा टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, ठीक है। आपको लोगरिथम वाली फॉर्म लिखनी पड़ेगी, अगर आप मान लो अगर आप ये वाली ले रहे हैं ना, तो ये ऐसे होगा, ये पहले बात है लीनियरली हो भी नहीं रहा, ठीक है, तो आपको लोगरिथम वाली लेनी है, लॉगरिथम वाले में 1/t ही आ रहा है, इनवर्स ऑफ टेम्परेचर ही आ रहा है, डिक्रीज लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी गलत है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज डिक्रीज लीनियरली विद इंक्रीज इन, 1/t की वैल्यू बढ़ रही है ना विद टाइम, टेम्परेचर की थोड़ी ना बढ़ रही है, 1/t बढ़ रहा है, ठीक है। तो
तो यस, ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज एज फॉलोज। ओके, सो आपको देखना है कि इन चारों में से जो भी आपको ऑप्शन दिए हैं, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक बार देख लेते हैं। अगर मेरा डीसी बाय डीटी के आगे प्लस है, यानी कि वो पक्का प्रोडक्ट रहा होगा, तो जहां पे वो रिएक्टेंट है हटा दो, कहीं है ही नहीं, ठीक है। डी आपका रिएक्टेंट रहा होगा, तो जहां प्रोडक्ट है वो हटा दो। ए में क्या रहा होगा, वो प्रोडक्ट रहा होगा, ठीक है। बी क्या रहा होगा, रिएक्टेंट रहा होगा, यानी कि इन दोनों में से आपको देखना है। तो आप देखिए कोफिशिएंट जो है सी के आगे कितना होना चाहिए, 2, डी के आगे 3, ए के आगे 4। देखो इसको मैं कैसे लिखूंगी, माइनस हाफ कोफिशिएंट तो है ही नहीं, माइनस डीवी बाय डीटी, माइनस 1/3 डीडी बाय डीटी, 1/4 डीए बाय डीटी, हाफ ऑफ डीसी बाय डीटी। क्या यही है इक्वेशन, चेक करिए, चेक करना पड़ेगा अपने को। माइनस डीवी बाय डीटी, माइनस 1/3 डीडी बाय डीटी, 1/4 एंड 1, यस दिस इज करेक्ट। तो यानी कि बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 3a इज इक्वल टू 2b, रेट आपको बताना है डीवी बाय डीटी किसके बराबर होगा। तो कैसे लिखोगे, माइनस 1/3 डी डी ए बाय डी टी, बिकॉज रिएक्टेंट की साइड है, माइनस लगाना पड़ेगा, सो दैट ओवरऑल रेट पॉजिटिव आए। ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डीवी बाय डीटी। आपको डीवी बाय डीटी की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगी, माइनस 2/3 डी ए बाय डी टी। देख लो ऑप्शन, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना पेपर में, सोचो फ्री के नंबर है, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। ओके, सो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा बताया था, देखो, लॉग K2/K1 माइनस ईए बाय 2.303 आर 1/T2 माइनस 1/T1, ठीक है। तो कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट दो डिफरेंट टेम्परेचर पे इवेल्युएट करके। अगर आपको T2 पता हो, T1 पता हो, K2 पता हो, K1 पता हो, देन यू कैन फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी। ये दिया हुआ है, इवेल्युएटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, गलत। चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल गलत। इवेल्युएटिंग रेट कॉन्स्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नहीं। आपके पास टू डिफरेंट टेम्परेचर होंगे, फिर रेट कॉन्स्टेंट निकाल पाओगे एंड उससे आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल पाओगे, ठीक है। तो इसका ये ना आपके नीट 2024 में भी आया था, पहले भी आया था, ये कुछ साल पहले भी रिपीट हुआ है ये, और 2024 में आया था। एक्चुअली ये तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रेट लो फॉर अ सर्टेन रिएक्शन इज गिवन एज, सिंपल सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना, पावर को ऐड कीजिए बस। ऑप्शन देखो ए आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर करेगा, कॉन्सेंट्रेशन करेगा, मोलिकुलरिटी नहीं करेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, सी, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, फॉर द रिएक्शन आपको दी हुई है डिफरेंशियल रेट बताना है, तो लिख लेते हैं एक बार। डिफरेंशियल रेट क्या होगा, माइनस 1/3, देखो माइनस होना चाहिए, जहां पे भी प्लस दिख रहा है ना उसको तो पहले हटा दो, हाफ ऑफ डीबी बाय डीटी माइनस के साथ, डीसी बाय डीटी बिकॉज प्रोडक्ट में है, डीडी बाय डीटी बिकॉज प्रोडक्ट में है, इज इक्वल टू के, ए रेज टू द पावर एन क्योंकि, और बी रेज टू द पावर एम क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिसाइड नहीं करते हैं कि ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें देखो प्लस है हटाओ, प्लस है हटाओ, यहाँ पे तो कोफिशिएंट ही नहीं है, हटाओ, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा अपने पास ये। इन्होंने देखो एक ये वाली टर्म ली हुई है और एक ये ली हुई है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन फॉर इट्स रेट डबल। ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है जब तुम्हारा रेट डबल हो गया होगा, कब, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे। हमें ये तो पता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेट भी बढ़ता है, ठीक है।
तो इक्वेशन कौन सी होगी लोग K2 / K1, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये 2024 में भी क्वेश्चन आया, बस दिक्कत ये है ना कि इसका कैलकुलेशन बड़ी लेंदी होती है। ठीक है, तो इस बार भी जो पेपर में आया था ना, ये सेक्शन B में आया था, तो आप ना ऐसा मतलब भावनाओं में मत बह जाना, अरे हम तो पढ़ के आए हैं ये वाला टॉपिक, हम तो करके जाएंगे क्वेश्चन। इट विल टेक टाइम, अगर आ गया तो इससे बेटर है आप कोई और क्वेश्चन देख लो, जहाँ पे कम टाइम लगा के बिना नेगेटिव किए वहां पे क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, ये भी समझदारी दिखानी है पेपर में। -EA/2.303 R(1/T2 - 1/T1। ठीक है, तो K2/K1 क्या हो जाएगा, डबल हो गया, तो log 2 -EA/2.303। इन्होंने कहा कि R को 25/3 ले लो, ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 35 है, तो कितना हो जाएगा, 273 और 35, 308, और ये कितना हो जाएगा, 293। बस आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद मैं बता देती हूँ, मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा 35 किलो जूल पर मोल। देखो कैलकुलेशन है थोड़ी ज्यादा, बट अच्छी बात ये भी है, ऑप्शन में अच्छे खासा डिफरेंस है, तो अप्रोक्सीमेशन ले लो। 2.3 को 2 ले लो, किसने कहा 2.303 लेना। ठीक है, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 12.5% इन 1 आवर। व्हेन वाज इट हाफ कंप्लीटेड, आधी कब कंप्लीट होगी, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 घंटे में घटकर इतनी हो गई। ओके ठीक है, मान लो स्टार्टिंग में A0 थी, ठीक है, फिर घटकर वो कितनी हो गई, A0/2 हो गई, फिर घटकर वो कितनी हो गई, A0/2 का स्क्वेयर हो गई। ठीक है, या आप ऐसे मान के चलो पहले 100 थी, 100 से कितनी हो गई 50, फिर कितनी हो गई 12.5, है ना, यही तो करोगे ना। 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25, 25 का आधा अपना हो जाएगा 12.5। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जब 100 से 50 हुआ तो हाफ लाइफ टी हाफ, 50 से आधा हुआ टी हाफ, 25 से हुआ टी हाफ, तो कितनी हाफ लाइफ लग रही है भाई, 3 टी हाफ। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने घंटे में हुई है आपका, 1 आवर में, यानी कि 60 मिनट में, तो आधी कब होगी, 20 मिनट में। लो हो गया क्वेश्चन, इस तरीके से करना। ठीक है, इस तरीके से करना। चलो आगे चलते हैं, हो जाएगा ना ये, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में ना, अब आप सोच सकते हो हमें कैसे पता चलेगा। देखो जब आपके हाफ लाइफ वाले आते हैं ना क्वेश्चन, तो ट्राई करो करो अगर इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मैं अभी काफी सारे क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको जो मैं इस तरीके से सोल्व करूंगी, टाइम भी कम लेता है और सही भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने बोल दिया कि भाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होकर 12.5 हो गई है 1 आवर में, तो यानी कि मुझे पता है अगर मान लो स्टार्टिंग में आपकी 100% थी, तो 100 से 50 हुई, तो 100 से 50 हुई तो क्या होगा, तो अगर 100 से आपकी 50 होगी तो हाफ लाइफ टी हाफ, फिर 50 से 25 2 टी हाफ, 25 से 12.5 3 टी हाफ, टाइम कितना दिया हुआ 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट, तो आप निकाल लोगे टी हाफ कितना होगा। इस तरीके से आपको निकालना। उसके बाद देखो हाफ लाइफ आपको दी हुई है फर्स्ट ऑर्डर की 10 मिनट, वो कह रहे हैं स्टार्ट किया, ध्यान से सुन लीजिए, स्टार्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन जब थी 12 मोलर, आपको बताना है 20 मिनट बाद रेट कितना होगा, है ना, 20 मिनट बाद रेट कितना होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन निकाल ले हम कितनी होगी। देखो आपका रेट क्या होता है, के इंटू लेट से कंसंट्रेशन मान लो ए, ठीक है, और आपका क्या है रेट आपको निकालना है, के आप कैसे निकाल सकते हो, आपको हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो 0.693 / 10,
हो जाएगा, ये 3 0 नीचे आ जाएंगे तो 0.0693 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा ना। ठीक है, बिकॉज टी हाफ दिया हुआ है तो के आ गया। अब हमें ये पता लग गया है ना कि 20 मिनट बाद कितना रह जाएगा, तो हम निकाल लेंगे। देखो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में इतनी थी, हाफ लाइफ क्या होगा जब कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी, ठीक है, इसके लिए टी हाफ, ठीक है, कितना है 10 मिनट, जब 3 हो जाएगी तो दूसरी टी हाफ, बोलो, यानी कि 2 T हाफ, यानी कि 2 × 10 20 मिनट, बोलो हाँ के ना, यही तो मतलब हुआ ना इसका। देखो इधर, पहले 12 थी, 12 से 6 हो गई, तो हाफ हाफ लाइफ होता क्या है, एट विच कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आधी हो जाए इनिशियल के, तो पहले 12 थी अब 6 हो गई, हाफ लाइफ 1, 63 हो गई हाफ लाइफ 1, तो कितनी है हाफ लाइफ 2 टी हाफ। टी हाफ दिया कितना हुआ 10 मिनट, तो 2 × 10 × 20 मिनट, तो यानी कि कितनी है 20 मिनट पे कंसंट्रेशन, बोलो, आपका है 3, तो क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू 0.0693 × 3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी आ जाएगा, 65 का, 65 का ऑप्शन नंबर सी, यस करेक्ट है। ए प्लॉट ऑफ 1/T वर्सेस ln के, आपको स्लोप दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालना है, तो के क्या होता है एक्टिव, ये देखो बार बार आ रहा है इक्वेशन, आरेनियस इक्वेशन के बिना नहीं बनेगा ये सवाल, तो के इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ln के क्या हो जाएगा, ln ए माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। 1/T क्या है आपका, ए प्लॉट ऑफ 1/T वर्सेस ln वर्सेस, ओके, ln के, इसको ये लिखो ln के वर्सेस 1/T, ठीक है, तो ln के क्या हो जाएगा y, ये x, ये आपका स्लोप हो जाएगा और ये c हो जाएगा, तो स्लोप क्या आ जाएगा माइनस ये बाय r, वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, तो ए क्या आ जाएगा 8.314 × 10^4, ठीक है। अब देखो जूल में लोगे तो आंसर तो नहीं आ रहा कोई ऐसा, किलो जूल में ले लो, नीचे 1000 से डिवाइड कर दो, ये भी 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 83 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, तो किलो जूल में आपका आंसर आ गया 83। बहुत ही पॉपुलर कॉमन क्वेश्चन है, तुम्हारे नीट में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं 67, कैसे करेंगे देखो, ठीक है, इफ 50% ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन 25 मिनट, यानी कि 50% जो रिएक्टेंट था प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 25 मिनट में, तो 100 मिनट में कितना होगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो इधर, देखो अब इसको अपन कैसे कर सकते हैं कि 50% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका है 25 मिनट में, ठीक है, इसको ऐसे कर लो, टी हाफ कितना दिया हुआ है 25 मिनट ना, ठीक है, ओके, ठीक है, 50% रिएक्टेंट इसको और तरीके से करते हैं सो दैट इजी हो जाए, क्योंकि दूसरा फॉर्मूला से करोगे मुश्किल हो जाएगा, तो 50% रिएक्टेंट हो जाएगा कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में 25 मिनट में, हाउ मच ऑफ इट वुड रिएक्ट इन 100 मिनट, हाफ लाइफ कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी ये टोटल, 100/25 4 हो जाएगी ना, ठीक है, 4 हो गई ना, 100/25 50, 75 आपका 100, ठीक है, ओके, सो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है आफ्टर आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स वो कितना हो जाएगा, ए नोट बाय 2 की पावर 4
ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अपना ए नोट की पावर 2, ए नोट डिवाइड बाय 2 की पावर 16, ठीक है, ये हो गया। ओके तो अब क्या किया जाए? ठीक है, चलो एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ओके, ए नोट 2 की पावर 4 आ चुकी है, ए नोट 16 आ चुका है, ठीक है, ओके, लेट्स सी इस क्वेश्चन को। टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ अ रिएक्शन इज 2 व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 30 to 90 डिग्री, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बाय। तो देखो टेम्परेचर कोफिशियंट क्या है, फाई आपको दिया हुआ है 2, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 30 to 90, तो ये कैसा कहाँ से आया हुआ है, टेम्परेचर कोफिशियंट से क्वेश्चन है, तो R2 by R1 फाई डेल्टा T/10, ठीक है, तो R2 by R1 क्या आ जाएगा, फाई क्या हो जाएगा, अपने पास 2 दिया ही हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर बताओ 90 - 30, 60/10, तो 2 की पावर 6 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, इसको ऑप्शन ही दिए हुए हैं, 68 का इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 64 टाइम्स, यस, ठीक है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, एक ऑप्शन था 64 टाइम्स वाला, वही आपका करेक्ट होना था। उसके बाद हम बात करते हैं 69, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन A+B गिव प्रोडक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ, नीट जो 2024 री एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आया था, आपको रेट लो बताना है, ये डेटा देखते हुए। देखो अगर आप NCERT के हिसाब से करोगे ना तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसको थोड़ा स्मार्टली हमें करना पड़ेगा, कैसे करोगे, आओ सबसे पहले अगर मान लो आप बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना चाह रहे हो, क्योंकि आपका रेट क्या होगा, के ए की पावर हमें नहीं पता है, एक्स मान लो, बी की पावर हमें नहीं पता है, वाई मान लो, तो अगर तुम्हें ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो बी में जो सेम वैल्यू उसको छुपा लो, ये देखो ये सेम है ना, छुपा लो उसको। अब देखो जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितने टाइम्स हो रही है, 2 से 6 3 टाइम्स हो रही है, और ये कितनी हो रही है, 9 टाइम्स हो रही है, तो डबल हो रही है ना, 3 3 9 है ना, तो यानी कि क्या हो रहा है, जो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर होगा वो कितना होगा, ये तो हमने किया ही था, जैसे 2 टाइम्स हो रही है तो उसका डबल 4 हो रहा है, 3 हो रही है तो आपका 9 हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखो ओके, अब आपको अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, ओके, तो ये हमने ए के रिस्पेक्ट में ही निकाला, एक सेकेंड, ए के रिस्पेक्ट में निकालना है तो बी की सेम वैल्यू है, 2 की 2 से 6 3 टाइम्स हो रहा है, दिस इज 9 टाइम्स, 3 का स्क्वेयर करना पड़ेगा तो ए का स्क्वेयर हो जाएगा। अगर तुम्हें बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालोगे, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना तो कैसे निकालोगे, जो ये सेम वैल्यू इसको रखो छुपा लो, 0.2 से 0.4, तो 2 टाइम्स हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, यानी कि ए के रिस्पेक्ट बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आएगा, 1, तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, डी, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 1 है, तो इस तरीके से आ जाएगा। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60% कंप्लीट इन 20 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल द रिएक्शन टेक टू बी 84% कंप्लीट। ओके सो के निकाल लेते हैं हम इससे, इससे के इज इक्वल टू 2.303/20, लो स्टार्टिंग में 100 मान लेते हैं, ठीक है, 60% कंप्लीट हो चुकी है तो बच्ची कितनी होगी, 40, तो ये अपने पास आ गए लोग 10/4, इसको ना चेंज नहीं करते ऐसे ही रखते हैं, देखना कोई आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ऑप्शन इसके भी नहीं दिए हुए। इसके लिए टी कैसे निकालोगे, 2.303 के, ये देखो दिया हुआ है, इसको बिल्कुल एज इट इज रखो, देखना कितनी जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है, लोड 100, ठीक है, अब क्या है 84% क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि कितनी रह गई हुई, 16, ठीक है, 16 रह गई होगी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, लोग 100/16 को 10/4 का स्क्वेयर लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 into log 10/4 हो जाएगा, ये आपको
जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी ये चीजें ना समझ में आने लगेंगी कि हाँ इस तरीके से हम जल्दी से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा 40 मिनट के आसपास जो है इसका आंसर आ जाएगा। 40 ऑप्शन में था ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन गायब है, तो 40 मिनट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। एक गैसियस रिएक्शन बेटा दी हुई है, ए से बी प्लस सी वाज फाउंड टू फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आपने प्योर ए से स्टार्ट किया है, द टोटल प्रेशर एट द एंड 20 मिनट, मतलब 20 मिनट पे टोटल प्रेशर 100 है, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो प्रेशर 180 है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में ना डायरेक्ट फॉर्मूला आप सोचोगे तो नहीं याद रहेगा, इसमें आपको डिराइव ही करना पड़ेगा ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, बट यस आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, दूसरे किसी अप्रोच से जाओगे तो गलत होगा। तो हम टाइम T0 पे लेट कर लेते हैं कि प्रेशर रहा होगा P0, ये रहा होगा T0, टाइम 20 पे ये कितना हो गया होगा P0 - X, ये XX ठीक है, और जब इनफाइनाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी तो ये तो 0 ही होगा, ये P0 P0 ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या हो गया हमारा, अब देखो 20 मिनट पे P0 + X कितना दिया हुआ है, 20, एक तो ये चीज आ गई ठीक है, और ये कितना आ गया 2P0, कितना प्रेशर दिया हुआ है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन 180, तो P0 आ गया 90। तो इस 90 को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 20 आया क्या, सॉरी 100 है यहाँ पे ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 100 - 90 10 ठीक है। अच्छा आपको क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है भाई, देखो 20 मिनट पे P0 - X यानी कि 90 - 10 80, 80 MMHg क्या आ जाएगा प्रेशर आ जाएगा, देखो बहुत इजी कम टाइम में सोल्व हो जाएगा, तो 80 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी इतना। आपको एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है 2.303 RT जूल पर मोल ठीक है, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट टू द अरेनियस फैक्टर। आपको क्या निकालना है, के बाय ए निकालना है, तो कैसे निकाले, के क्या है अरेनियस इक्वेशन पता होनी चाहिए, ई रेस टू द पावर -Ea/RT। अब क्या करें, ln के, एक काम करते हैं ऐसे कर लो, के नीचे ले आओ ए को, इधर देखो ई रेस टू द पावर -Ea/RT, दोनों तरफ ln ले लो, तो ये क्या हो जाएगा -Ea/RT ठीक है, तो ln के बाय ए -Ea कितना है 2.303 RT, RT से RT कैंसिल, हटा दो इसको, मैं हटा दे रही हूँ, मेरे काम का नहीं है ये ठीक है। अब क्या करें, कैसे सोल्व करें, मुझे तो के बाय ए चाहिए, तो एक काम करते हैं ना ln को लॉग में चेंज कर लेते हैं ठीक है, तो लॉग के बाय ए क्या आ जाएगा -1, तो के बाय ए क्या आ जाएगा 10^-1 यानी कि 0.1 ठीक है। तो इस तरीके से इसको अप्रोच करना था, तो आंसर आ जाएगा बी 0.1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपको ये दी हुई है, फॉलोज द मैकेनिज्म, ये बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी कराया था, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ फटाफट। स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो रेट क्या होगा, के ए की कंसंट्रेशन इंटू बी टू की कंसंट्रेशन। अब आप देखो कोई इंटरमीडिएट तो नहीं है, हाँ मैम है, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा ए का स्क्वेयर बाय ए टू, ऐसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो बिल्कुल सेम था वही क्वेश्चन है ये, ए की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3/2। ये कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 74, ए से बी आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, टाइम रिक्वायर्ड 4.8 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.6 मोल ऑफ बी इज 1 आवर। तो देखो यहाँ से के निकाल लो, के इज इक्वल टू 2.303 / 1, आर में ये चेंज मत करना, लोग 0.8 कितना प्रोड्यूस हुआ 0.6, बचा कितना होगा 0.4, 0.8 - 0.6 0.2 बचा होगा, तो ये बन गया होगा log 4 ठीक है। इसको यही ऐसे ही रखना, चेंज मत करना,
व्हाट इज टाइम टेकन फॉर 0.9 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 0.6975 मोल ऑफ बी. तो टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के. इसको बिल्कुल ऐसे लिख, लॉग 4 लॉग 0.9, 0.9 माइनस 0.675 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 0.225. ठीक है, इसको सॉल्व करो एक बार, करना पड़ेगा क्योंकि देखो क्वेश्चन बहुत इजी बनना वाला है आप लोगों के लिए. तो ये 5 पे गया और ये गया इस पे, तो ये 9 5 सा और ये कितना हो गया आपका, एक सेकेंड. पॉइंट नाइन बाय 0.225. ठीक है, तो ये 5 पे गया अपना कितना 45 और ये 20, और देखो ये 4 पे ही चला गया. तो लॉग 4 से लॉग 4 कैंसिल, ये कैंसिल, तो टाइम आ गया 1 का. इस तरीके से सॉल्व करना आप लोगों को कम टाइम में फटाफट से. दिस इज योर नीट रिवाइज. 75 क्वेश्चन पे चलते हैं. आपको डेटा दिया हुआ है, ये इक्वेशन दी हुई है, रेट कौन सा निकालना है, बिल्कुल सेम अप्रोच जो भी किया था. तो इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले, 2a गिव्स बी प्लस सी, ये क्या आपका सॉलिड है. ठीक है, ओके. सो अगर मैं बात करूं टाइम टी जीरो पे क्या होगा, तो ये पी नोट होगा. ठीक है, ये नहीं बना होगा कुछ कुछ टाइम टी बाद, कितना 10 मिनट बाद ये कितना हुआ होगा, पी नोट माइनस 2x और ये एक्स x, क्योंकि अगर p नोट में से 2x जा रहा है तो ये xx बना होगा, बिकॉज 2a से 2 मोल ऑफ a से 1 मोल ऑफ b और 1 मोल ऑफ c बन रहा है. और कंप्लीशन के बाद ये जीरो रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा, p नोट बाय 2. और इसका तो हम देखेंगे भी नहीं, ये तो सॉलिड है, इसको तो छोड़ो, ये तो फालतू का, इस पे तो प्रेशर का कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, ये हो गया. ठीक है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, p नोट माइनस 2x प्लस x कितना है, पी नोट माइनस एक्स कितना हो गया अपने पास, कितना दिया हुआ है अपने को टोटल प्रेशर 10 मिनट पे 300. ठीक है, एक तो ये आ गया पी नोट बाय 2, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, इनफाइनाइट प्रेशर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फ्रैक्शन वही है ना 200, तो पी नोट आ गया 400. तो मैं ये सारा हटा रही हूँ क्योंकि मेरे को अब इसका कोई काम नहीं है. ठीक है, तो पी नोट आ गया, तो पी नोट माइनस एक्स 300, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 100 आ गया. तो निकालते हैं के इज इक्वल टू 2.303 बाय 10. लो पी नोट टाइम 10 मिनट पे कितना था, पी नोट माइनस 2x था, तो 2.303 बाय 10 लो पी नोट कितना है 400, पी नोट माइनस 2x यानी कि 400 माइनस क्या बोलते हैं 400 माइनस 200, 200 हो गया. ठीक है, तो लॉग 2 आ जाएगा. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 0.069. ठीक है, ध्यान रखने पी नोट माइनस एक्स नहीं होगा, पी नोट माइनस 2x होगा. इन द कैटालिटिक कन्वर्जन ऑफ N2 टू NH3 बाय हेबर प्रोसेस, तो क्या होती है रिएक्शन, यही होती है ना. रेट ऑफ रिएक्शन वॉज एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया पर टाइम, तो आपको हाफ ऑफ डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया आपको गिवन है, दैट इज 40 × 10⁻³. आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने इन टर्म्स ऑफ H2, तो क्या करेंगे, -1/3 डी बाई डी टी ऑफ H2. ठीक है, ये हमारे पास है तो इसको लोगे यूज में, डी बाई डी टी ऑफ NH3. ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या हमारे पास, डी बाई डी टी ऑफ H2 निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -3/2 डी बाई डी टी ऑफ NH3, आपको कितना दिया हुआ है 40 × 10⁻³, तो ये हो जाएगा 60 × 10⁻³. तो यानी कि आपको बेसिकली ये दिया हुआ. ठीक है,
द रेट ऑफ रिएक्शन वॉज एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया पर टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से ये सोल्व हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, अ गिवन सैंपल ऑफ मिल्क टर्न्स सोर एट रूम टेम्परेचर। देखो, एक आपके पास मिल्क था, वो रूम टेम्परेचर पे हो गया है सोर इतने घंटे में। रेफ्रिजरेटर में रखोगे -3 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो 10 टाइम, मतलब उसको 10 गुना टाइम जो है स्टोर करके रख सकते हो। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द स्टोरिंग ऑफ मिल्क इज क्या होगा? वही लोग K2/K1 इज इक्वल टू -Ea/2.303 आर 1/T2 -1/T1, ये होगा। ठीक है, ओके। सो अब आगे क्या किया जाए? K2/K1 क्या है? 10 ले लो, 10 टाइम्स है ना, 10 टाइम्स ऑफ K1, तो K2/K1 10 ले लो। ठीक है, इसमें आप T2 क्या ले लो, 27 ले रहे हो क्या? क्योंकि इसमें अगर आप लोगे ना तो फिर आपका आंसर उल्टा पुल्टा आएगा, तो ध्यान रखना। तो ओके, तो 27 ले रहे हो तो ये 300 हो जाएगा, और T1 अगर -3 ले रहे हो तो ये 270 हो जाएगा। तो लोग 10 -Ea/2.303 आर ही रखो, क्योंकि आपको नहीं करना है सो, क्योंकि देखो आर के टर्म्स में है, 1/300 -1/270। तो आपको इसको सोल्व करना है, और आपका इसका आंसर आ जाएगा, मैं बताती हूँ, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास सी, 2.303 × 2.7 R/kJ/mol, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। कुछ नहीं करना, आर की वैल्यू आर में ही रखनी है, सिंपल बस सॉल्व करना है। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिया हुआ है, गेट इंक्रीज बाय 72 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल एंड बी इज डबल। देखो, आपके पास जो रेट है ना, ध्यान से देखो, हमें नहीं पता ए की पावर, मतलब ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी क्या होगा, देखते हैं। तो एक इसको ना ऑप्शन से चलो, देखो अगर ना तुम्हारी ए की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी है और बी की डबल कर दी है, ठीक है, और तुम्हारा जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा बताना है, और 72 टाइम्स इंक्रीज हो गया रेट ऑफ फ्रैक्शन, क्यों ना हम ऑप्शन से चले। अगर आपका मान लो X1 होता तो ये कितना होता, 3, और ये 2 होता तो कितना होता, 4, तो 12 टाइम्स होता, हटा दो, ये हो ही नहीं सकता। अगर ये 2 टाइम्स होता यानी कि 9 हो जाता, और ये 3 होता यानी कि 8 हो जाता, तो 9 8 72, तो आपका 72 टाइम्स आ जाता। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे देखो, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 800 to 50 इन इतना सेकंड, रेट कॉन्स्टेंट निकालना है। वही पहले तो ये पहचानो, फर्स्ट ऑर्डर ही है ना, तो 2.303 टाइम दिया हुआ है, लोग स्टार्टिंग में 800 थी, दोबारा 50 हो गई। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कम्प्लीशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये तो आई गेस रिपीट ही हो गया है क्वेश्चन, तो ये आपका A/K हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। जो अपना वो था क्या कहते हैं, जो अभी हम कर रहे थे ना, a0/2 की पावर 16 वाला, वो देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। देख, एक बार देख लेते हैं उसको, क्या बोल रहा था ना वो। तो यहाँ पे क्या था अपना, कि 50% ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन 25 मिनट, हाउ मच ऑफ इट वुड रिएक्ट इन 100 मिनट। तो हमने ये तो निकाल लिया था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 4 हाफ लाइफ के बाद कितना बचा होगा, a0/2 की पावर 2 की पावर 4 ना, तो यहाँ पे 16 आए। ठीक है, एक मिनट में इसको दोबारा लिख देती हूँ। अब मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमारा 100% रहा होगा, ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे 100/16 को, तो ये कितना आ जाएगा, देखो
ये आ जाएगा अपने पास 6.25। ठीक है, तो आपको बताना है 100 मिनट में कितना रिएक्ट किया होगा, तो कर दो 100 में से माइनस कर दो, इतना रह गया होगा ना, इतना रह गया तो रिएक्ट कितना किया होगा, 100 में से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 94%। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 94%, एग्जैक्ट आएगा 93.75। ठीक है, तो इस तरीके से होना। तो ये आपके 80 क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन रीच आउट टू मी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।